अध्यापक संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर बोर्ड ऑफिस चौराहे पर संविदा शिक्षक और अध्यापक धरना दे रहे हैं। इस बारे में संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता श्री एनपी शर्मा ने दैनिक भास्कर .com को बताया। सर, ये बताएं कि जो धरना आप दे रहे हैं, ये क्या मांगों को लेकर है? मुख्य मांगे आपकी क्या क्या हैं? हमारा शिक्षा विभाग में सम्मेलन कर समान कार्य समान वेतन प्रदान किया जाए, ये मुख्य मांगे हमारी। पिछले सत्रह वर्षों से अध्यापक बार बार जो भी मध्य प्रदेश के शासक मुख्यमंत्री आए उनसे अपनी मांग पत्र प्रस्तुत करे, पर आज दिनांक तक पिछले मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश शासक के राजा बने, उन्होंने हमारी मांगों को विशेष ध्यान नहीं दिया। मध्य प्रदेश शासन की जो भी कुर्सी पर बैठता है वो मध्य प्रदेश के अध्यापकों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन में जो बैठ रहे हैं मध्य प्रदेश के राजा, वो मध्य प्रदेश के स्कूलों को शासकीय बंद करवाना ही चाहते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के जो अध्यापक भर्ती की गई उन लोगों के वेतनमान को विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। यदि सरकार हमारे वेतनमान की ओर ध्यान नहीं देगी तो आज 3 दिनों के लिए जो हमने धरने का किया है तालाबंदी का, ये मूवमेंट अनिश्चितकालीन परिवर्तन हो जाएगा और मध्य प्रदेश के 3 लाख अध्यापक संयुक्त रूप से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। इसका जवाब मध्य प्रदेश शासन को देना पड़ेगा और आगामी चुनाव में इसका मध्य प्रदेश शासन जो सरकार बैठी हुई इसको सामना करना पड़ेगा, इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा।